पुराने समय की बात है, किसी गांव में दो किसान रहते थे। डॉट दोनों बड़े गरीब थे। उनके पास बहुत थोड़ी जमीन थी जिस पर खेती करके अपना व अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। समय गुजरा और उन दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई। दोनों को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने पूछा, बताओ कि तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और तुम्हें क्या बनाकर पुनः इस संसार में भेजा जाए। पहला किसान क्रोध से बोला, प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी, कुछ भी नहीं दिया मुझे। डॉट पूरा जीवन मैंने खेतों में बैल की भांति काम किया, जो थोड़ा बहुत कमाया भी वह पेट भरने में ही खर्च हो गया। ना तो मैंने और न ही मेरे परिवार ने अच्छे वस्त्र पहने और न ही अच्छा खाना खाया। यह सुनकर यमराज कुछ समय मौन रहे, फिर पुनः बोले, तो अब तुम क्या चाहते हो। इस पर किसान बोला, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे चारों ओर से पैसे ही पैसे बरसे, परंतु मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। प्रभु बोले, तथास्तु। यमराज ने दूसरे किसान से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हें भी मुझसे शिकायत है। किसान बोला, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपसे मैं क्या मांगूं। आपने मुझे सब कुछ दिया, दो हाथ पैर, खेती करके अन्न उगाने के लिए जमीन, भूख लगने पर भोजन, तन ढकने को पर्याप्त मात्रा में वस्त्र। सिर्फ एक कमी लगी मुझे, अपने जीवन में कि सीमित मात्रा में अन्न धन होने के कारण मैं अपने द्वार पर आए भूखे व जरूरतमंद लोगों की सहायता नहीं कर सका। कुछ ऐसा कीजिए कि अब जो जन्म मिले, तो यदि कोई भूखा व्यक्ति मेरे घर आए, मैं उसकी खूब मन से सेवा सहायता कर सकूं। डॉट यमराज उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। दोनों किसानों को पुनः उसी गांव में जन्म मिला। समय बीता, दोनों बड़े हुए। पहला किसान, जिसने अपने चारों ओर धन की और किसी को कुछ ना देने की कामना की थी, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। हर कोई उसकी झोली में धन डालता, किंतु उसे किसी को कुछ भी न देना पड़ता। दूसरा किसान उस गांव का बड़ा धनी एवं धर्मात्मा व्यक्ति बना। कोई भी उसके द्वार से खाली ना जाता, वह सबकी तन मन धन से सहायता किया करता। मित्रों, ईश्वर ने हमें जो दिया है, उसी में संतुष्ट रहना आवश्यक है। डॉट अक्सर देखते हैं कि हमें हमेशा भगवान से शिकायत रहती है कि हमें यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। अगर हम थोड़ा रुककर यह सोचे कि उस दयालु परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है, तो हम सिर्फ उसका धन्यवाद ही देंगे। दूसरों की उन्नति को देखकर दुखी होने के कारण हम उन संसाधनों का भी ठीक प्रकार से आनंद नहीं उठा पाते जो हमारे पास है। डॉट दृष्टिकोण के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। अब यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस रूप में देखते हैं। हमें चाहिए कि अच्छा जीवन जीने के लिए अपनी सोच अच्छी बनाएं, कमियां न निकालें, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लें और दूसरों के प्रति सेवा भाव रखें।